आउ चलिबनि वाकअप बोर्ड रो एकचाटिया कारबार माफियाक कब्जा रो मुक्त हेबो वाकअप बोर्ड रो अधिकार वाकअप संशोधन बिल कु नै संसद रे घमासान अधिनियम को जेडीयू एवं टीडीपी रा भरपूर समर्थन संशोधन लागू हेले महिलांकु भी मिलिबो बोर्ड रे अधिकार विरोधी का दावी परे बिल जेपीसी को पठाइले केंद्र सरकार जहां आशंका करा जाउथिला से आही हेला केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू वाकअप संशोधन अधिनियम विधेयक राज्यसभा रे उपस्थापन करिबा बेले विरोधी करथिले जोरदार हंगामा सामना को आसी जाइथिले जणक परे जणे मुस्लिम का मसीहा संख्यालघु को द्वाही देई बिल को करथिले जोरदार विरोध। ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। दिस इज अ क्लियर अटैक ऑन फेडरल सिस्टम आल्सो वाकफ प्रॉपर्टीज दिस एक्चुअली द इंटीग्रिटी ऑफ द थिंग्स डीलिंग बाय द स्टेट्स रूल्स एंड द डाटा कलेक्शन एवरीथिंग दिस बिल इज टेक अवे ऑल द डाटा कलेक्शन टू द सेंट्रल साइड देखो अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन अटैक ऑन फेडरल सिस्टम। अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है, अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। विरोधी का प्रति अभियोग गोटी गोटी करी जवाब रखी थे केंद्र मंत्री रिजिजू से कहते कहार हक छड़ाइबा तो दूर कथा बरम जो मानक हक मिलू ना से हक देवा ही बिल उद्देश्य जो वर्ग को वाकअप बोर्ड में आज पर्यंत स्थान मिल पार ना से हक देवा उद्देश्य अणा जा बिल जो काम इंग्रेज ठारू कांग्रेस जाए करे विफल होते से ही काम करने लगे बिल अणा केन्द्र संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू यह संविधान कौन से नियम खिलाफ करू ना स्पष्ट करते केन्द्र मंत्री। लेकिन इसको आप लोग बार बार धर्म को लेकर के मत देखिए। कोई भी इस देश का नागरिक सरकारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है हो सकता है क्या? म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी का जमीन आप कैसे वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं सर। केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री विरोधी को जवाब दे सीधा सीधा कही थे माफिया का कब्जा रही वाकअप बोर्ड जमीन एही संशोधन बल रे आउ चालिबनी माफियांकर मनमानी मुस्लिम महिला और साधारण मुस्लिम को भी मिलिबो बोर्ड रे अधिकार। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? तबे वाकअप संशोधन अधिनियम को नहीं केंद्र सरकार को समर्थन करिसंती दुई सहयोगी जेडीयू एवं तेलुगु देशम पार्टी। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दी है कि अयोध्या की मंदिर गुरु भाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? एबे आसंत जानिबा ही विधेयक रे पूर्वरु कौन थिला और कौन परिवर्तन करिछंती केंद्र सरकार। पूर्वरु यह थिला वाकअप एक्ट 1995 सरकार का प्रस्ताव अछि यह को करबा को एकीभूत वाकअप प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 वाकअप संपत्तिर सर्वेक्षण पाई पूर्वरु सर्वे कमिश्नर नियुक्त होउथिले किंतु सरकार का प्रस्ताव अनुसार उपजिलापाल और जिलापाल उपरिस्थ अधिकारी ही होई पारिबे सर्वे कमिश्नर। स्पष्ट भावे भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व बाध्यतामूलक नथिला वाकअप बोर्ड रे किंतु संशोधित प्रस्ताव अनुजाई सिहा सुनी बोहरा महिला और अण मुस्लिम को भी मिलिबो प्रतिनिधित्व। एवं आसतु जाणी ही वाकअप आक्ट 1995 संशोधन आवश्यकता कहीं पड़ा वर्तमान वाकअप बोर्ड पाखे रही असीमित अधिकार। बोर्ड जहाँ को चाहिए निज संपत्ति घोषणा करोसी संपत्ति को निज संपत्ति प्रमाणित करार आवश्यकता नहीं बोर्ड को, बरम
दावेदार को ही निज संपत्ति बोली प्रमाणित करने को पड़ वक्फ बोर्ड विरोध में कौन सी कोर्ट में आवेदन करना अभियोग केवल वक्फ बोर्ड में ही कर वक्फ फैसला को भी कौन सी कोर्ट में चैलेंज करना फैसला समय ट्रिब्यूनल ही अपील करे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बा जेपीसी करिबो ही बिल उपरे विचार खूब शीघ्र कमिटी गठन कर दिया जिवो बोली कहिसेंति लोकसभा वाचस्पति ओम बिरला तेबे एआईएमआईएम सांसद उसादुद्दीन ओएसी एही निष्पत्ति उपरे वोटिंग दाबी करथिले जहाकु खारज कर देथिले वाचस्पति ओएसी को जवाब दे केन्द्रमंत्री रिजिजू कहिसेंति आमे पलायन पंथी नहु जेपीसी जहां निष्पत्ति नेब आमे मानिबा को प्रस्तुत ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।